स्कूल के बाहर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई जिसे संभालना पुलिस के बूते की बात भी नहीं रही। जहां तक नजरें उठाएंगे लोगों की भीड़ ही नजर आएगी। ये वो अभिभावक हैं जिनके बच्चे बच्चियां बदलापुर के इस नामी स्कूल में पढ़ते हैं। अब जरा रेलवे ट्रैक की तस्वीर देख लीजिए। पूरे रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कब्जा जमा रखा है। इसकी वजह से लोकल ट्रेन की आवाजाही पर असर पड़ा। प्रदर्शनकारी रेल रोको आंदोलन कर रहे थे जिससे लोकल ट्रेनों में सफर कर रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये भीड़ बेसबब सड़कों और रेलवे ट्रैक पर नहीं उतरी बल्कि ये उन माँ बाप का गुस्सा फूटा है जो अपने बच्चे बच्चियों की हिफाजत के लिए फिक्रमंद है, क्योंकि बच्चियां शिक्षा के मंदिर में भी अगर महफूज नहीं है तो फिर कहां होगी। इस बात पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस कदर फूटा कि रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन के दौरान उन्होंने पुलिस पर भी पथराव किया। दरअसल थाने के बदलापुर में करीब 4 साल की 2 मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चियों के साथ स्कूल के गर्ल्स वॉशरूम में 23 साल के सफाई कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न किया। अभिभावकों का कहना है कि हमारी बेटियां यहां सुरक्षित नहीं है और उन्होंने स्कूल प्रशासन से बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी की मांग की है। हालांकि पुलिस जांच में स्कूल प्रबंधन की ओर से कई खामियां और लापरवाही सामने आई है। लड़कियों के वॉशरूम में कोई महिला अटेंडेंट न होने के अलावा स्कूल में कई सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे और इस वजह से परिजनों में स्कूल के खिलाफ गुस्सा है। सूबे के शिक्षा मंत्री का कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इसमें जो 4 टीचर्स थे, मतलब 2 टीचर है, 1 हेडमास्टर है, 1 क्लास टीचर है और 2 असिस्टेंट है जो बच्चों के देखती थी, क्योंकि ये प्री प्राइमरी के बच्चे थे, केजी जूनियर केजी वाले बच्चे थे, तो उनको भी सस्पेंड किया गया है और उस स्कूल को भी नोटिस दिया गया हुआ है। और एक ऐसे पाया गया था कि ये जो इंसिडेंस हुआ कि 13 से 16 तक हुआ था और 18 को जब कंप्लेंट दी गई तो 12 घंटे तक इसका कुछ कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, इसलिए वहाँ की जो सीनियर पीआई है उनको ट्रांसफ़र किया गया है। ये जो आरोपी है जिसका नाम अक्षय है, ये अक्षय को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उस पर जो कलम लगाए हुए है वो पोक्सा के जो कलम है उसमें 74 है, 75 है, 76 है। अगर इकट्ठा ये प्रूव हो जाता है तो इसको कुल मिला के 13.5 साल की सजा हो सकती है। इसके लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस लेके जाएंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देंगे और कड़ी से कड़ी सजा उसको देंगे। लेकिन उसको सजा देने से ये ख़त्म नहीं होता। हमने पूरी मशीनरी एक्टिवेट कर दी है, हमारी स्कूल एजुकेशन की पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है, हमारी होम डिपार्टमेंट की सब मशीनरी एक्टिवेट हो चुकी है ताकि आगे चल के ऐसा इंसिडेंस नहीं हो। अभिभावकों के गुस्से को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस ने भारी बंदोबस्त कर रखा है। अभिभावक अपनी मांग पर अड़े हैं कि स्कूल प्रबंधन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बच्चियों की सुरक्षा के उचित प्रबंध किए जाएं। Thank you.